तो आज हम स्प्रिंट की इस तरह की सेटिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा स्प्रिंट है इसको जॉयस्टिक के अंदर कैसे लेके आना है वो आज हम जो है ना वो सेटिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। तो आज हम जॉयस्टिक की सेटिंग करने जा रहे हैं कि जॉयस्टिक को स्प्रिंट के अंदर कैसे ला सकते हैं। बस ये अभी इधर तक आ सकता है, तो इसको हमने जो जॉयस्टिक है इसके दरमियान में सेंटर में कैसे लेके आना है, तो वो हम आज सेटिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें बस दो चीज़ों की ज़रूरत है, ये एक फायर बटन की और ये जॉयस्टिक की। तो आप लोगों ने ये फायर वाला जो बटन है इसको आप लोगों ने नीचे ले आना है, और ये जो जॉयस्टिक है इसका जो साइज़ है आप लोगों ने 170 तक काट लेना है, ठीक है। करने के बाद आप लोगों ने इसको प्रेस करना है और ये बटन साइज़ को प्रेस करना है, इन दोनों को। ऐसे करने के बाद आप लोगों ने स्प्रिंट पे क्लिक करना है और स्प्रिंट को थोड़ा सा बड़ा कर, यानी कि 250 करके छोड़ देना है थोड़ा सा। फिर आप लोगों ने जॉयस्टिक को ऊपर लेके जाना है, फिर आप लोगों ने सेम वही प्रोसीजर करना है और इसको फिर 250 करके छोड़ देना है। तो फिर इसी तरह करना है, इसी तरह आप लोगों ने करते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा इस जॉयस्टिक को जो है ना आप लोगों ने ऊपर ले कर चले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो स्प्रिंट है ये देख सकते हैं अभी जो ये सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह इसकी जो है ना वो सेटिंग हम कर सकते हैं। तो सेम आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इस तरह जब आप लोगों का स्प्रिंट आ जाए तो इसको साइड पे ले आना है, इसको यहाँ से पकड़ के तो यहाँ पर लाकर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी स्प्रिंट की सेटिंग, और इससे जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दो में याद रखिएगा।